हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आर यूट्यूब चैनल माय सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज का जो हमारा सत्र रहेगा वो करंट अफेयर्स 2018 से संबंधित रहेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर प्रथम हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी है? अबूधाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी में पहला हिंदू मंदिर जो है उसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? चंद्रशेखर कंबार। श्री चंद्रशेखर कंबार जो हैं वो कन्नड़ के मशहूर नाटककार, कवि और उपन्यासकार हैं। इन्हें 2010 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी उड़िया की प्रसिद्ध लेखिका प्रतिभा राय को हराकर ये अध्यक्ष का पद जो है वो ग्रहण किया। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन यूनाइटेड नेशंस रेडियो की स्थापना हुई थी 1946 में यूनाइटेड नेशंस रेडियो की स्थापना हुई थी। उसी की एनिवर्सरी के दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है और इसे मनाने की जो घोषणा थी वो यूनेस्को द्वारा की गई थी। उत्तम जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तम जीवन रक्षा पदक पुरस्कार जो है वो लाइफ सेविंग के लिए दिया जाता है। तो ये 30 सितंबर 1961 को शुरू किया गया था और अब ये जो पुरस्कार है ये शेख सलीम गफूर नाम के व्यक्ति को दिया गया है, जिसने 2017 में अमरनाथ यात्रियों की 52 अमरनाथ यात्रियों की जान बचाई थी आतंकी हमले में। इन्होंने बस को रुकने नहीं दिया था और लगातार दौड़ाया था, जिसके कारण 52 लोगों की जानें बच गई थी। तो उत्तम जीवन रक्षा पदक शेख सलीम गफूर को दिया गया है। किस राज्य में दिशारी ऐप लॉन्च किया गया है? राजस्थान। राजस्थान में दिशारी नामक ऐप लॉन्च किया गया है। ये हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर किरण महेश्वरी द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को फ्री स्टडी मटेरियल देना ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। साथ ही ये जॉब अलर्ट्स और रिसेंट अपडेट्स भी देगा, दिशारी नामक ऐप। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स 2020 कहां पर आयोजित किए जाएंगे? टोक्यो जापान में। टोक्यो जापान में 2020 के ओलंपिक्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ये 32वां संस्करण होगा ओलंपिक गेम्स का। पहले जो थे वो 1896 में एथेंस में आयोजित किए गए थे और 2020 में 32वां जो संस्करण है वो टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले 31वां जो था वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत ने 2 मेडल जीते थे। एक सिल्वर पीवी सिंधु द्वारा जीता गया था और एक ब्रॉन्ज मेडल जो कुश्ती में साक्षी मलिक द्वारा जीता गया था। पोलर प्राइज का संबंध किस क्षेत्र से है? पोलर प्राइज का संबंध संगीत से है और अब की बार ये पुरस्कार जो है वो अफगान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक और मेटेलिका पॉप बैंड, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पोलर प्राइज को संगीत का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। इसके लिए जो समारोह है वो स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। किस बैंक में कर्मचारियों द्वारा 11,356 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। इस बैंक, ये एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसमें 11,356 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो है वो नीरव मोदी हैं, जो एक हीरा व्यापारी हैं। नीरव मोदी का संबंध हीरा और ज्वेलरी, जो हीरे जेवरात हैं उनसे इनका संबंध है नीरव मोदी का। मणिपुर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का कार्यभार किसे मिला है? जस्टिस अभिलाषा
कुमारी, जस्टिस अभिलाषा कुमारी को गवर्नर नजमा हेपतुल्ला द्वारा सीएम एन बीरेन सिंह की उपस्थिति में शपथ दिलाई गई। जस्टिस अभिलाषा कुमारी त्रिपुरा राज्य की भी चीफ जस्टिस रह चुकी हैं और ये मणिपुर की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। इन्होंने अपना कार्यकाल 1984 में वकील के रूप में शुरू किया था और ये पूर्व हिमाचल सीएम वीरभद्र सिंह की बेटी हैं। आनंद मैरिज अधिनियम का संबंध किस धर्म से है? आनंद मैरिज अधिनियम जो है वो सिख धर्म से संबंधित है, जो 1909 में बनाया गया था आनंद कर्ज के नाम से। अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि जो सिख हैं उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन जो होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग होता है और उनके सर्टिफिकेट में भी उनका रिलीजन सिख लिखा आता है और जो मैरिज एक्ट है वो हिंदू लिखा आता है। तो इस प्रकार से उनके दो धर्म बन जाते हैं जो अब्रॉड जाने में उनके लिए एक बाधा का काम करते हैं। तो इसी का निवारण करते हुए अब ये कहा जा रहा है, जो कैलाश गहलोत हैं दिल्ली के रेवेन्यू मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि वो इसका नोटिफिकेशन कराएंगे ताकि जो सिख हैं उनकी मैरिज रजिस्ट्रेशन आनंद मैरिज एक्ट 1909 के अकॉर्डिंग हो सके और उसमें उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सिख धर्म के अनुसार ही हो। आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? इंदिरा नुई जो हैं वो पेप्सिको की सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंदिरा कृष्णमूर्ति नुई, जो पहली स्वतंत्र महिला निदेशक बनी हैं आईसीसी की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नुई। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, करंट अफेयर्स 2018 से संबंधित। आइए एक बार इनका क्विक रिवीजन लेते हैं। आईसीसी की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? इंदिरा नुई को। ये सीईओ हैं पेप्सिको कंपनी की। आनंद मैरिज अधिनियम का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से। ये 1909 में आनंद कर्ज के नाम से बनाया गया था। मणिपुर की चीफ जस्टिस का कार्यभार किसने संभाला है? जस्टिस अभिलाषा कुमारी, जो एक्स हिमाचल सीएम वीरभद्र सिंह की बेटी हैं। ये पहली महिला जज हैं, चीफ जस्टिस हैं मणिपुर की, और ये चीफ जस्टिस रह चुकी हैं त्रिपुरा राज्य की भी। किस बैंक ने कर्मचारियों द्वारा 11,356 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में ये धोखाधड़ी हुई है, जिसमें नीरव मोदी मुख्य अभियुक्त हैं, जो एक हीरा व्यापारी हैं। पोलर प्राइज का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है? संगीत से। पोलर प्राइज जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और अब की बार ये अफगान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक और मेटलिका पॉप बैंड दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, जिसका समारोह स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। इसे संगीत का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? टोक्यो जापान में। ये 32वां संस्करण होगा ओलंपिक गेम्स का। 31वां जो था वो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, जिसमें भारत ने 2 मेडल जीते थे। किस राज्य में दिशारी ऐप लॉन्च किया गया है? राजस्थान। किरण महेश्वरी जो हायर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये ऐप लॉन्च की गई है और इसका मुख्य मकसद जो है वो युवाओं को फ्री स्टडी मटेरियल देना है ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। साथ ही ये जॉब अलर्ट्स और अपडेट के बारे में भी जानकारी देगा। उत्तम जीव रक्षा पदक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शेख सलीम गफूर, जो एक बस ड्राइवर हैं।
ये पुरस्कार जो है वो जीवन रक्षा के लिए दिया जाता है। इन्होंने 52 अमरनाथ यात्रियों की जान बचाई थी आतंकी हमले के दौरान 2017 में, जब वो लोग अमरनाथ की यात्रा पर गए थे। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ये यूनाइटेड नेशंस रेडियो, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी, उसकी एनिवर्सरी के रूप में एक तरह से मनाया जाता है। और इसकी घोषणा जो है, मनाने की घोषणा वो यूनेस्को द्वारा की गई थी। साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? चंद्रशेखर कंबार, ये 2010 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। कन्नड़ के मशहूर साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, कवि हैं और नाटककार भी हैं। इनकी प्रतिद्वंदी प्रतिभा राय उड़िया की प्रसिद्ध लेखिका थी, जिन्हें हराकर इन्होंने ये अध्यक्ष का पद ग्रहण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर प्रथम हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी है? अबुधाबी, यूएई की राजधानी अबुधाबी में प्रथम हिंदू मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो माई सक्सेस पॉइंट चैनल की तरफ से। इसी प्रकार से हम आपके लिए नए नए करंट अफेयर से संबंधित, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित और हरियाणा जीके से संबंधित वीडियोज लेकर आते रहेंगे। आप इसी प्रकार जुड़ते रहिए हमसे, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल के आइकन पर अवश्य क्लिक करें, ताकि सबसे पहले आपको अपडेट मिलें यदि हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो। धन्यवाद।